सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही पूरा देश हैरान है। एक बेहद यंग और टैलेंटेड एक्टर का जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। हाल ही में सुशांत सिंह के सुसाइड के गम को उनकी भाभी सुधा देवी बर्दाश्त नहीं कर सकी। सदमे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ठीक उसी वक्त हुई जब मुंबई में सुशांत का अंतिम संस्कार संपन्न हो रहा था। सुधा देवी ने देवर की मौत की खबर मिलने के बाद से खाना पीना त्याग दिया था। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। वो आपस में एक माँ और बेटे की तरह रहते थे। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार के पूर्णिया स्थित उनके पैतृक गांव मलडीहा तथा पटना के राजीव नगर इलाके में लोगों को गम में रोते हुए भी देखा जा रहा है। इन दोनों जगहों से सुशांत के बचपन की यादें जुड़ी हैं। सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद पटना में रहने वाले उनके पिता के सिंह गहरे सदमे में चले गए हैं। खबर सुनकर बीते कुछ समय से बीमार चल रही सुधा देवी उनकी भाभी की हालत बिगड़ गई। सदमे में वो बार बार बेहोश होने लगी। रिश्तेदारों ने उनको डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। होश में आते ही वह सुशांत के बारे में पूछती कि वह ठीक है कि नहीं। फिर घर पर जब लोगों की भीड़ देखती तो बेहोश हो जाती थी। देर शाम उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुख की बात है। सुधा देवी के पति व सुशांत के चचेरे भाई अमरिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह से सुधा देवी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी। शाम 5 बजे उन्हें अंतिम सांस ली। अमरिंदर सिंह ने रोते हुए कहा कि पहले भाई ने साथ छोड़ दिया, अब पत्नी भी चल गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। भगवान उनके परिवार को ताकत बख्शे। लेटेस्ट न्यूज से जुड़े रहें। धन्यवाद।